हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी प्रॉपर्टी में। आजकल एड़ा में आरपीएस 08 स्कीम बहुत ज़्यादा ही चर्चे में है और हमारे पास काफ़ी कॉल्स एंड मैसेजेस भी आ रहे हैं कि कैसे फॉर्म फिल करें, कब तक लास्ट डेट है, क्या दोबारा भी लास्ट डेट एक्सटेंड होगी। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिन सबका जवाब आप सबको मेरी इस वीडियो में मिल जाएगा। और भी बहुत कुछ है, मैं आप सबको बताऊंगी कि कितने प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कितना साइज है प्लॉट्स का और अभी तक कितने फॉर्म्स फिल हो चुके हैं। सो गाइज, मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि कोई भी टॉपिक छूट ना जाए और आप सबको आपके सारे जवाब मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि कैसे फॉर्म भरना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले गूगल पर जाकर एड़ा टाइप करें, फिर आपको एड़ा की वेबसाइट दिख जाएगी कुछ इस तरह। इस पर क्लिक करें। अब आपको ये ग्रीन कलर का पॉपअप जैसा दिख रहा है, आप सबको इस पर क्लिक करना है। अब आपको इस तरह का पेज दिख जाएगा। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्टर करके लॉगिन करें। जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है पहले से ही वो सीधा लॉगिन करें। जिन्होंने रजिस्टर किया है अभी, उनका यूज़र नेम एंड पासवर्ड उनके ईमेल और मैसेज पर मिल जाएगा। स्टेप टू, लॉगिन करते ही आपको एड़ा का डैशबोर्ड दिख जाएगा इस तरह से। अब आपको एक्टिवेट फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फीस पे करने का ऑप्शन आएगा कुछ इस तरह से। इसको आप किसी भी तरह से पे कर सकते हैं, थ्रू UPI, BPA या QR कोड। उसके बाद आपको डाउनलोड ब्राउचर पर क्लिक करना है। कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही ऑप्शन है जिसमें पहले आपने एक्टिवेट फॉर्म पर क्लिक किया था। डाउनलोड ब्राउचर पर क्लिक करने के बाद आपका ब्राउचर डाउनलोड हो जाएगा। उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले ही। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भरनी है, आपका नेम, पिता या पति का नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, एज, ये सब आपको फिल करना है। उसके बाद आपको ये सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। स्टेप नंबर 4, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, एक नया पेज ओपन होगा। जैसे ही आप स्टेप नंबर 4, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन होगा जो कि होगा एड्रेस डिटेल्स फॉर्म, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना मेलिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस फिल करना है। एड्रेस याद रहे आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। एड्रेस फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पर। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से पेज दिखाई देगा जो कि रिफंड डिटेल्स फॉर्म है। इसको आपको बहुत ही ध्यान से भरना है, यहाँ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्लॉट की अलॉटमेंट नहीं मिल पाती है तो आप 10% अमाउंट जो पे करेंगे वो आपको रिफंड मिल जाएगा। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 6, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही एक नया पेज और ओपन होगा जो कि होगा आपका डॉक्यूमेंट फॉर्म। यहाँ पर आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद सेव कर दें। सेव करते हैं, आपके सामने कन्फर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि अगर कुछ गलत मेंशन हो गया है तो आप बैक जाकर उसको अच्छे से करेक्ट करके फिल कर सकते हैं, और अगर सब ठीक है तो कन्फर्मेशन एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें। अब आते हैं स्टेप नंबर 7 पर। एप्लीकेशन कन्फर्म करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फीस पे करने का ऑप्शन आता है कुछ इस तरह, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली आ जाती है आपके प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग 10% पेमेंट। इस पेमेंट को आप किसी भी तरह पे कर सकते हैं, RTGS के थ्रू या UPI के थ्रू या फिर ICICI बैंक के लोन के थ्रू। सो गाइज, ये थी जानकारी कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करें। अब मैं बात करती हूँ आपके डाउट्स के बारे में। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या फिर भरने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, तो आज मैं आपके उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आई हूँ। सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन है, जो हम 600 रुपये फीस जमा करते हैं एक्टिवेशन फॉर्म के लिए, क्या उसका रिफंड मिल सकता है?
तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है। अब आपका दूसरा सवाल आता है, किसी भी प्लॉट का 10% पेमेंट हम डेबिट कार्ड या ड्राफ्ट बैंक से कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं, हम RTGS या UPI के थ्रू ही कर सकते हैं, डेबिट कार्ड और ड्राफ्ट बैंक से हम पेमेंट नहीं कर सकते। अब आपका आता है तीसरा सवाल, क्या अगर हम प्लॉट अपने फैमिली मेंबर के नाम पर ले रहे हैं तो क्या हम 10% पेमेंट अपने अकाउंट से कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, हम पेमेंट किसी भी अकाउंट से कर सकते हैं, पर रिफंड में डिटेल्स एप्लीकेंट्स के नाम का होना चाहिए। जो भी आप अकाउंट डिटेल्स मेंशन करेंगे रिफंड के लिए, उसमें एप्लीकेंट का ही अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर कोई एड़ा प्लॉट मार्केट से खरीद रहा है तो क्या सेम पर्सन इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है? तो आंसर है जी हाँ, कर सकता है, पर मार्केट से खरीदा हुआ ना हो तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले वाली स्कीम में भी अप्लाई किया होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्या एक्टिवेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए किसी और का अकाउंट लगा सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, आप किसी का भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिवेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन पेमेंट है, तो इसमें आप किसी का भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन ये नॉन रिफंडेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर किसी केस में गलती से पैन कार्ड गलत मेंशन हो जाए और कॉपी सही अटैच हो जाए तो क्या हो सकता है? तो जवाब है, इस केस में कैंसिलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए अपनी हर एक डिटेल्स बहुत अच्छे से मेंशन करें। अगला क्वेश्चन आता है, प्लॉट अलॉटमेंट ना होने पर रिफंड कितने दिन में होगा? तो इसका आंसर है मोस्टली मैक्सिमम 3 मंथ्स में आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी एड़ा ऑफिस भेजना जरूरी है क्या? तो इसका जवाब है जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसकी हार्ड कॉपी एड़ा ऑफिस में भेजनी है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास ऑलरेडी ये फॉर्म डाउनलोड हो जाता है और ब्राउचर डाउनलोड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक परिवार से एक से अधिक मेंबर्स इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, जैसे कि एक फॉर्म आपने फिल किया तो एक फॉर्म आपकी माता या आपके पिता के नाम पर भी भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगर ऑनलाइन फॉर्म नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो इस केस में क्या करें? तो इसका आंसर है सिंपल सा कि इस केस में आप एड़ा ऑफिस जाएं, वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये, क्या हम इस स्कीम के लिए बैंक से भी लोन ले सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपके, जैसे कि ओरिजिनल पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, जो कि आपकी ब्रांच से सर्टिफाइड होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट, आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स वेबसाइट से वेरीफाइड होना चाहिए। तीसरा, एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। एंड चौथा, फॉर सिक्योरिटी पर्पस आपका सेल्फ साइन चेक चाहिए, जो भी बैंक का एप्लीकेंट है, चाहे वो आप हैं या फिर कोई और है, लेकिन इसमें जो साइन चेक चाहिए वो वही चाहिए जो उस बैंक का एप्लीकेंट होगा। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम लोन किसी भी बैंक से ले सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा भी है, तो इसका जवाब है जी नहीं, एड़ा ने ICICI के लोन कराने के लिए कुछ ICICI की कुछ ब्रांचेज हैं जिनको अथॉरिटी दी गई है। सारी ब्रांचेस की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो गाइज, ये थे RPS 08 फॉर्म से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि RPS 08 स्कीम्स में कितने प्लॉट्स का साइज है और क्या इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि लास्ट डेट एक्सटेंड करने की कोई खबर सामने नहीं आई है। इसकी लास्ट डेट 23 अगस्त 2024 तक ही है, जो आप 12 बजे तक इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो लक्की ड्रॉ की डेट है वो है 10 अक्टूबर 2024। इस स्कीम्स में प्लॉट की संख्या 361 है और इसमें सेक्टर हैं सेक्टर 16, सेक्टर 18, सेक्टर 20 एंड सेक्टर 22D, जिसमें 5 अगस्त तक 1.08 लाख तक फॉर्म भर चुके थे। अब मैं आपको शेयर करती हूँ कि कितने प्लॉट साइज में, प्लॉट नंबर और कितने आवेदन हुए हैं अभी तक। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट साइज 120 स्क्वायर मीटर की। इसमें जो प्लॉट्स की नंबरिंग है वो है 84,
और जो अभी तक इसमें आवेदन हो चुके हैं वो हैं 52,540। अब मैं बात करती हूँ 162 स्क्वायर मीटर साइज की, तो इसमें प्लॉट नंबर हैं 77 और अभी तक आवेदन लोग कर चुके हैं 34,700 के आसपास। और 200 स्क्वायर मीटर में प्लॉट की संख्या सिर्फ 3 ही है, जिसमें 1819 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है। और अगर बात करूं मैं 300 स्क्वायर मीटर की, तो इसमें प्लॉट नंबर है 131, जिसमें अभी तक लोगों ने 47,955 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। अगर हम बात करें 500 स्क्वायर मीटर की, तो इसमें प्लॉटों की संख्या है 40 और अभी तक जो आवेदन हुए हैं वो अराउंड 7,643 हैं। और अगर बात करें 1,000 स्क्वायर मीटर की, तो इसमें जो प्लॉट्स का नंबर है वो है 18 और अभी तक जो आवेदन हुए हैं वो हैं 2,849 के आसपास। अगर 400 स्क्वायर मीटर की बात करूं, तो इसमें प्लॉट्स की नंबर हैं 8 और अभी तक जो आवेदन हुआ है अराउंड 895-900 के आसपास इसमें आवेदन हो चुका है। सो गाइस, यहाँ पर प्लॉट्स की जो टोटल संख्या है वो है 361, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि कितने कितने आवेदन हो चुके हैं कौन कौन से साइजेस के लिए। सो गाइस, ये थी RPS 08 स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके कुछ डाउट्स तो मैं क्लियर कर पाई हूँ, जिससे कि आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको कैसे इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो एवरीवन, जल्दी से जाइए और ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 23 अगस्त है, क्या पता आपका नाम आ जाए लक्की ड्रॉ में। एक और बात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और सब भी अप्लाई कर पाएँ ईजीली। और ऐसे ही एड़ा से रिलेटेड यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर प्रेस कर दें, जिससे कि आप सबको इन्फॉर्मेशन आती रहे जब भी मेरी न्यू वीडियो आए। सो मैं चलती हूँ, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।